हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने हरियाणा पर। आप सभी को हम आज एक नए ब्लॉग में दिखाएंगे पूरे दिन में होने वाली काम। जा रही है, सबसे पहले इस ट्रेलर को वहां पर छोड़ेंगे। ये हमारे गांव की नहर है, दो नहर आती है थी। और देखना नहर का दृश्य, नहर पूरी फूल आ चुकी है। इसके बाद हम मुर्गी फार्म की तरफ जाते हैं। ये सामने से आ रहे हैं, वो बिहार से आई हुई लेबर है जो सीजन के टाइम पर धान लगाने के लिए यहाँ खेतों में आती है। देखो ये पीछे भी और लेबर के बंदे आ रहे हैं, ऐसे भी धान लगाने के लिए यहाँ पर आए हुए। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। भोले बाबा का रुक रुक कर बरसात हो रही है। अभी यहाँ पर हमें जो ये कल्टीवेटर जो ट्रेलर है इसको यहाँ पर छोड़ेंगे। इसके छोड़ने के बाद फिर वापस एक बार घेर में जाएंगे और घेर से सीधे खेत में खेतों का नज़ारा दिखाएंगे। वहाँ पे हमने जामुन वगैरह भी खाई थी, वो भी दिखाएंगे। अभी यहाँ पे नीचे लिफ्ट से उतार दिया और अब इसके हुक खोलेंगे, अब दूसरी साइड का हुक खोल देंगे और इसके बाद हम ट्रैक्टर को इसे फ्री कर देंगे। मैन हुक निकालने के बाद अब ये ट्रैक्टर से अलग हो जाएगा। फिर ट्रैक्टर को लेकर हम चलते हैं सीधा केर की ओर। अब हम यहाँ पर गेर में आ गए हैं। ये देखो भैंस बंद रखी है यहाँ पे हमारी। के बाद हम खेतों में जा रहे हैं। खेतों का नजारा, एक हफ्ते बाद तक ये सभी खाली दिखाई दे रहे थे, अब यहाँ काफी हरी भरी हरियाली है और सभी धान के पौधे भी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। और यहाँ पे एक ऐसा भी खेत है जिसमें आज तक कुछ हुआ ही नहीं, वो खाली रहता है। आगे दिखाएंगे हम उसको। ये देखो इस खेत को, इसमें सफेदे लगा रखे, इसमें कभी धान वगैरह कुछ बोया ही नहीं आज तक। ये खेत दिखाई दे रहा है, खेत खाली है यहाँ पर। अब की बार उन्होंने खाली छोड़ दिया। देखो कितना अच्छा मौसम है, चारों तरफ हरियाली हरियाली, ग्रीनरी ग्रीनरी दिखाई दे रही है। ये जामुन का पेड़ है, इस पे पिछले ब्लॉग में कच्ची जामुन लगी हुई थी, अब ये जामुन काली हो गई है। ये जो पीछे है मेरे, ये बिजली का ट्यूबवेल है। इस ट्यूबवेल से ये हमेशा धानों में पानी देते हैं। आप सभी अपना हरियाणा इसी प्रकार देखते रहे और अधिक से अधिक मेरी वीडियो को पसंद करें, लाइक और शेयर करें, जिससे मुझे अधिक से अधिक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। तो आप सभी दोस्तों का अपना हरियाणा देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।